सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 12 तारीख है और दिन है बुधवार। जैसा कि रोज इस समय अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, साथियों आज भी चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर। लगभग 200 से 300 रुपए डाउन गया है। चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर। दिन में एक गिरावट बनी, जैसे ही आज दिन खुला एक गिरावट बनी, और गिरावट बनने के बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, शाम होती गई, तो कुछ एक मंडियों के अंदर साथियों जो है सुधार हुआ। और चर्चा करेंगे साथियों दूसरी फसलों के ऊपर, ग्वार, मोठ, मूंग, चने और गेहूं के अंदर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे साथियों थोड़ी सी धनिया के ऊपर भी और जीरे के ऊपर भी। जी विनोद जी, धन्यवाद आपका। आपने जैसा कि रोज आप वीडियो को शेयर करते हो, आज भी वीडियो को शेयर किया है। जो जो भाई शेयर करते जाएंगे, भाई नाम बोलता जाऊंगा। हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है भाई, सौदा आपको अपने विवेक से करना है और व्यापार जो है अपने हिसाब से करना है। गिल साहब, आपका भी धन्यवाद। सुरेंद्र गिल साहब, आपने वीडियो को शेयर किया है। जो जो भाई शेयर करते जाएंगे, भाई नाम बोलता जाऊंगा और एक एक शेयर का बटन दबाते जाओ ताकि अपने साथी और जुड़ जाए, फिर जो है अपने बाकी साथियों शुरू करेंगे। सबसे पहले आज चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर, फिर चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर। सरसों के साथियों थोड़ा सा वेट करना, एक दो खबरें हैं सरसों के लिए, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे साथियों। तो जुड़े रहना और जितने भी भाई जुड़े हो, भाई सारे साथी शेयर करते जाना, बहुत प्यार करते हो आप लोग। मैंने कभी आपको नहीं बोला कि आप स्टार भेजो, मैंने कभी नहीं बोला कि आप लाइक करो, हार्ट भेजो, कुछ नहीं चाहिए भाई। एक एक शेयर कर दिया करो ताकि जो वीडियो है और साथियों तक वो पहुंच जाए। साथियों तो सबसे पहले चर्चा करते हैं साथियों आज नरमे के ऊपर। 300 रुपए तक की नरमे के अंदर आज गिरावट दर्ज की गई, बहुत बड़ी बात है। 300 रुपए की गिरावट, 200 से 300 रुपए आम मंडियों के अंदर आज गिरावट जो है दर्ज की गई। यहां सोचने वाली बात यह, ढिल्लों साहब आपका भी धन्यवाद वीडियो को शेयर किया। सोचने वाली बात यह कि जब नरमा एमसीएक्स के ऊपर बढ़ता है या बाजार वायदा के अंदर बढ़ता है, तब नरमे के रेट को बढ़ाया नहीं जाता है। आज एक मामूली सी गिरावट जो है हमें देखने को मिली है नरमे के वायदा के अंदर, थोड़ी सी मामूली सी गिरावट देखने को मिली है, और उस गिरावट के कारण 200 से लेके 300 रुपए नरमे का भाव बाजारों के अंदर गिर गया, बहुत बड़ी बात है। विनोद कुमार जी सारण साहब ने मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया भाई, दिन में फसलों के भाव की जानकारी के लिए, उसको भी सब्सक्राइब करना, वहां भी जुड़ जाना भाई, जिस भाई का मन करे वहां जरूर जुड़ना। तो साथियों बढ़ते हुए वायदा के साथ भाव बढ़े नहीं, लेकिन जैसे ही भाव अभी गिरने शुरू हुए हैं, वायदा के ऊपर थोड़ी सी गिरावट आई है, तो साथ ही साथ जो है भाव नीचे आने इसके जो है साथियों शुरू हो गए और 200 से लेकर 300 रुपए की मंदी देखने को मिली है। हालांकि आप सबको मैंने बहुत विनम्र निवेदन किया था कि नरमे के अंदर एक ब्रेक एक्सेप्टेड है, एक ब्रेक जो है आएगा नरमे के अंदर, वो अपेक्षित था और वो ब्रेक नरमे में आपको देखने को मिला है। जब भरपूर तेजी चल रही थी उस टाइम आपको बताया था कि इतनी तेजी का मतलब ये होता कि एक बार ठहराव आएगा। देखिए आप भी किसान भाई हो, मैं भी किसान हूं, सीधा सा फंडा है, जब किसी चीज में तेजी आती है तब एक बार के लिए आवकें बिल्कुल रुक जाती हैं। आज भी कोई बहुत बड़ी आवकें नहीं हुई हैं, लगभग 35 लाख गांठ की जो है आज आवक हुई है। तो जब तेजी आती है तो एक बार आवकें रुकती है, फिर उस माल को निकलवाने के लिए, ये सीधा सा फंडा है, इसके अंदर कोई गणित नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर मैं आपको वायदा बाजार के हिसाब से बताऊं तो शायद आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मेरा ये जो पेज है यहां पर गांव देहात के लोग जुड़े हुए हैं, खेत के लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरा यही मकसद होता है कि आपको सीधा और स्टीक जो है बताया जाए। किसी भी चीज का रेट बढ़ता है तो आपके उसकी एक बार रुकती है, क्योंकि सबको यह लगता है कि और तेज हो रहा है, और तेज हो रहा है, तो उस चीज को माल को निकलवाने के लिए, माल को बाजार में लाने के लिए, रुताश जी आपका भी धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के, तो उस चक्कर में जो है एक बार थोड़ा सा ब्रेक दिया गया। और वो ब्रेक मैंने 3-4 दिन पहले आप सबको निवेदन भी किया था कि नरमे के अंदर एक ब्रेक आएगा, वो ब्रेक आया है। अभी ब्रेक के बाद का मूव क्या रहता है उसके ऊपर काफी जो है ख्याल रखना पड़ेगा। आज बहुत बड़ी गिरावट के साथ नरमा नहीं खुला था, लेकिन दिन के बीच में जाके जो है नरमे के अंदर एक गिरावट देखने को मिली, वायदा के अंदर एक गिरावट साथियों देखने को मिली है। तो नरमे के बाजार आज डाउन रहे हैं लगभग 200 से लेके 300 रुपए, काफी मंडियों में 300 रुपए भी डाउन रहे हैं साथियों।
लेकिन कारण साफ है कि काट भी किसान कटाए, सुखाए भी किसान, सस्ता भी किसान दे। बड़े बड़े मिलर स्पिनर्स, जिनिंग मिलों वाले, स्पिनिंग मिलों वाले जो हैं, वो लोग सरकार को भी धमकी तक देने को पहुंच गए कि हम लोग माल नहीं खरीदेंगे अगर आप इसको जो है नरमे को हमें सस्ते रेटों में उपलब्ध नहीं कराओ। लास्ट ईयर भी आपको सबको पता ही है, परिहार जी आपका, सूरज पेंटर जी आपका धन्यवाद। लास्ट ईयर भी आपको पता ही है क्या हुआ था कि लास्ट गाते गाते इन लोगों ने एक धमकी दी थी कि हम लोग एक कृत्रिम धागे का उत्पादन करेंगे जो नरमे के बिना जो है हमें एक प्लास्टिक का धागा वो उसका हम लोग जो है तोड़ निकालेंगे। दीप्रीत जी आपका भी धन्यवाद। तो खैर वो अलग बातें हैं, लेकिन अभी कई हालात ये है कि आज नरमा डाउन था, सुधार आना चाहिए नरमे के अंदर, लेकिन ब्रेक अपेक्षित था, ब्रेक साथियों आया है। बात करें नरमे के भाव की तो आज नोखा में 9300 रुपए नरमा बिका है। एज ऑलवेज ऊपर की मंडियां बहुत तेज है, नोखा है, जो भी मंडियां हैं ऊपर वाली सारी तेज है। 9300 आदमपुर 8950, सिरसा 8870, अबोहर 8660, हनुमानगढ़ 8800, रावसर 8800, अनूपगढ़ 8740, नोहर 8695, पीलीभंगा 8996, गढ़साणा 8775, कर्णपुर 8500, रावला 8700 और शहदूल शहर के अंदर बिका है 8336 रुपए साथियों आज नरमा बिका है। बात करते हैं सरसों की, एक एक बटन शेयर का दबाते जाना सारे साथी ताकि और साथियों तक वीडियो जो है पहुंचती रहे। साथियों सरसों का फंडा साफ है, अस्थाई तेजी थी, डायरेक्टली बोला था अस्थाई तेजी है भाई, मेला है, लूट लो, जिस साथी ने लूटना है लूट लो, स्पष्ट बोला था। 6000 के टारगेट के जो भाई है भाई सरसों को फिनिश आउट करो, नहीं तो कम से कम 70-80% का आप लोग सौदा करो। बहुत सारे साथियों के दिन में फोन आते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे साथियों के दिन में फोन आते हैं, यार मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं साथियों, मैं भी किसान हूं, मैं भी आपका भाई हूं, संगरिया का भाव भेजा है मनोज जी ने 8651 रुपए, मैं भी आपकी तरह किसान हूं यार, मेरे भी खेत में बहुत काम होता है भाइयों। जो जानकारी यहां मिलेगी आप कोशिश करके एक दो दिन फोन कर लो, जितने भी करने, जो जानकारी यहां दूंगा वही फोन के ऊपर दूंगा, इसके अलावा फोन करने की जरूरत नहीं आपको, इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं। मैं इस जगह आके, इस मंच के ऊपर आके, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके कोशिश करता हूं कि जो एग्जैक्ट जो कंडीशन है, जो सही कंडीशन है वही आके आपको बताता हूं। इसके अलावा आप मेरे को फोन करेंगे तो भी आपको वही जवाब मिलेगा साथियों, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, फोन कम से कम किया करो, जो भी आपका सवाल है यहां पूछ लिया करो, कोई और सवाल है आप इनबॉक्स कर लिया करो, यहां पेज के इनबॉक्स कर लिया करो, तो मैं वहां जवाब दे दिया करूंगा जैसे मेरे को टाइम मिला करेगा। लेकिन साथियों फोन इतने ज्यादा मतलब कि रिसीव करने बहुत मुश्किल है, एंड ऑफ द डे जाके मुझे शाम को फोन जो है अपना साथियों बंद करना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है साथियों, पूरी जानकारी आपको यही दूंगा, सारे आप मेरे भाई हो, सारे मैं खुद किसान हूं, मुझे हर एक किसान की पीड़ा का पता है, जिनके पास सरसों पड़ी है उनकी पीड़ा का भी पता है, जिनके पास नरमा पड़ा है उनकी पीड़ा का भी पता है, तो जो भी बताऊंगा यही बता दूंगा साथियों, इसलिए आप पेज के साथ जुड़े रहें, यहां वीडियो को साथियों शेयर और करते रहे। तो बात करें सरसों की, सबसे बड़ी बात 3 लाख कट्टे की आवक हुई है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 1.25 लाख, 1,10,000, ये आवकें थी पिछले कुछ दिनों में। पहली बात, आज आवकों का 3 लाख होने का मतलब साफ था कि सरसों के अंदर एक गिरावट, एक ब्रेक, एक रुकावट, एक ठहराव आना ही था, और वही हुआ है, वो आया है साथियों। प्रजापति जी आपका भी धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए। तो साथियों वो ठहराव आया है, देखिए जब 1.25 लाख कट्टे की आवक 3 लाख कट्टे के ऊपर पहुंचेगी तो डेफिनेटली एक ये एक सीधा सा कारण है कि एक रुकावट आएगी, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि शाम होते होते जो 100 रुपए 125 रुपए सरसों के अंदर गिरावट आई थी उसको 50 से लेकर 70 रुपए लगभग बड़े प्लांटों ने जो है रिकवर किया है। साहू साहब आपका भी धन्यवाद महेंद्र साहू जी। तो अच्छी बात यह कि शाम को सरसों रिकवर हुई है और लगता है कि थोड़ा सा जो सुधार है सरसों के अंदर बन सकता है यहां से, लेकिन बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर नहीं है। दीपावली की जो खरीदारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब यहां से जिन भाइयों के पास माल पड़ा है भाई अपने सौदे का विचार आप लोग देख लेना, यहां से कोई आपको बोले कि
सरसों 7,000 हो जाएगी, सरसों 9,000 हो जाएगी, सरसों 12,000 हो जाएगी, ऐसा कोई भी सीन नहीं है 1% भी। आपको, आप सारे किसान साथी हो इस पेज के ऊपर, तो एक भी व्यापारी नहीं, क्योंकि व्यापारियों को तो मेरे से पैसे बहुत नफरत है, व्यापारी नहीं है। किसान भाइयों आपको पता है जो सरसों का बीजान करना था वो भी हो गया, लगभग 50% हो गया, 50% का बीज हम लोगों ने लाके घर पे रख रखा है, जो सस्ते मोल लेते हैं बीज, तो वो खपत भी नक्की है। दीपावली की जो खपत है वो भी लगभग तेल की नक्की है। तो यहाँ से बहुत बड़ी तेजी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुधार बन सकता है। अगर 100-200 रुपए का सुधार बन सकता है वो भी बड़ी बात नहीं है। गिरावट यहां से आपको ज्यादा दस्तक देती हुई नजर आ सकती है। बात करें पाम ऑयल की, तो मलेशिया और इंडोनेशिया लगातार दरवाजे खटखटा रहे हैं। देखिए जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि हम किसान लोग इन चीजों की गौर नहीं करते, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है पूरे विश्व की, उसके ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर करता है। तो जैसे ही मलेशिया और इंडोनेशिया ने ये चीज बोलनी चालू की कि हमारे पास पाम ऑयल का बहुत बड़ा स्टॉक है, हम लोग किसी भी देश को बड़ा इजीली वे के साथ और बहुत कम टैक्सेस के साथ जो है इसका निर्यात कर सकते हैं, तो वो एक चीजें जो है मैटर कर रही है। उस चीज का दबाव भी जो है, एक प्रेशर जो है क्रिएट साथियों हुआ है। सीधी सी बात बताऊं, तेजी त्योहार की, मंदी आवक की, यही डायलॉग बड़ा फिट बैठता है आज की जो सरसों की कंडीशन है उसके ऊपर। साथियों सरसों के भाव की बात करें, थोड़ी चर्चा उसके बाद गवार की और मूंग की और बाकी फसलों की करेंगे। सलोनी आज 7,050 रुपए, 50 रुपए तेज। जयपुर भी शाम होते होते 25 रुपए सुधरा है, 6,350। भरतपुर ने आज भाव नहीं सुधारे हैं, लगभग 70 से लेके 120 रुपए तक जो है भरतपुर डाउन गया है। दिल्ली 6,300, दादरी 6,300, कोटा 6,350, आदमपुर 6,200, सिरसा 6,100, नोहर 6,000 रुपए, गंगानगर 5,700, विजयनगर 5,700, अबोर 5,800, बीकानेर 5,700, पीलीभंगा 6,120, करसाना 6,040, कर्णपुर 5,600, रावड़ा 6,150 और साधुल शहर 5,850 रुपए साथियों आज सरसों बिकी है। एक चीज नोट करने वाली है, बहुत सारे साथी पूछते हैं कि यार आपने 6,200 रुपए का या 6,100 का भाव बताया था, हमारे बाजार के अंदर सरसों 5,600, 5,700, 5,800 बिकी है। उन साथियों को निवेदन कर दूं, ये जो हम लोग भाव बताते हैं वो 42 लैब का भाव होता है, 42 लैब का भाव होता है। आप काउंट करते जाइए, लगभग एक एक पॉइंट का 150-150 रुपए घटाते जाइए, तो उस हिसाब से अगर आपकी मैंने मान लो किसी बाजार का 6,100 रुपए बताया है, आपकी लैब 3,700 रुपए है, तो वो ऑब्वियसली वहीं 5,600-5,700 रुपए आके आपकी सरसों जो है रुकेगी। तो दोबारा बता दूं, भरतपुर 3,500 रुपए प्लस हो गए हैं। एक साथी बता रहे हैं अभी शाम को, शायद पंकज बंसल जी कह रहे हैं, हो सकता है अभी शाम को जो है भरतपुर 3,500 रुपए तेज हो गया हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो बात करें साथियों ग्वार की, एक अच्छे पॉजिटिव माहौल के अंदर खुला था जब सुबह बाजार खुले थे, लेकिन बीच में बाजार टूटता हुआ कमजोर होता हुआ नजर आया, लेकिन शाम होते होते लास्ट जाके 15 से लेकर 18 रुपए तेजी के साथ बंद हुआ। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं कह सकते आप, स्टेबिलिटी कह सकते हो, एक स्थिरता कह सकते हो। बात करें मोठ की, थोड़ा सा सुधार, लगभग जो है भाव 5,400 से लेकर 5,600 के घरों के अंदर घूमे आ जाती हो। मूंग की बात करें, एक अच्छा माहौल मूंग के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अभी दबाव बन रहा है किसान संगठनों का कि जो है आप सब लोग जो किसान संगठन है वो दबाव बना रहे हैं कि इसको चालू कीजिए, आप जो सरकारी खरीद है मूंग की उसको चालू कीजिए। अगर सरकार उसके ऊपर एक्शन इंप्लीमेंट करती है तो शायद यहां से मूंग के अंदर एक सुधार आपको देखने को मिल सकता है। आज भी 6,600 से लेकर 7,000 रुपए तक साथियों आज मूंग बिका है। चने की बात करें, थोड़ा सा आप स्टेबल कह सकते हो या पॉजिटिव वे में कह सकते हो। दालों, जो दालें हैं उनकी एक डिमांड बनती हुई नजर आ रही है, तो उस हिसाब से चने के अंदर भी थोड़ी सी आज आप पॉजिटिविटी देख सकते हो। 4,600 से लेकर 4,800 रुपए आज साथियों चने बिके हैं। एक एक शेयर का बटन भाई सारे साथी दबा देना, स्टार स्टोर मत भेजना, कोई बात नहीं, कोई जरूरत वाली बात नहीं। अगर बात करें गेहूं की साथियों, तो 20 रुपए गेहूं आज डाउन गया है, और ऐसी 50 रुपए की जौ के बाजार के अंदर भी आज गिरावट साथियों देखने को मिली है। YouTube के सभी साथी बहुत प्यार करते हो, आप सब साथी बहुत लाइक करते हो वीडियो को, बहुत शेयर करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो Facebook के साथी हैं भाई, आप सारे साथी भी बहुत वीडियो को शेयर करते हो, बहुत आपका भी धन्यवाद। कोशिश करेंगे सही रिपोर्ट आप तक नरमे की सरसों की पहुंचाते रहें साथियों। सौदा आपको अपने वेग से करना है। किसान एकता जिंदाबाद।